Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की संजीवनी का जिक्र किया। रेडियो एक्टिविटी से बचाती है यह संजीवनी जड़ी बूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लद्दाख में पाई जाने वाली उस जड़ी बूटी का जिक्र किया जिसे रामायण में वर्णित संजीवनी बूटी माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रामायण में लक्ष्मण को जीवन दान देने वाली जड़ी बूटी संजीवनी की तलाश पूरी हो गई है। इस जड़ी बूटी को स्थानीय लोग सोलो कहते हैं। यह जड़ी बूटी हिमालय पर इतनी ऊंचाई पर पाई जाती है जहां जीवन को बनाए रखना ही अपने आप में एक चुनौती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक चमत्कारी जड़ी बूटी है जो इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक कर सकती है और ऊंचाई के वातावरण में शरीर को ढलने में मदद करती है। इस जड़ी बूटी का सबसे फायदेमंद गुण यह है कि यह रेडियो एक्टिविटी से बचाव करती है। वैज्ञानिकों ने इस जड़ी बूटी को रोडियोला नाम दिया। रोडियोला ठंडे और ऊंचाई वाले जगह पर पाई जाती है। स्थानीय लोग रोडियोला को सोलो कहते हैं और इसकी पत्तियों का सब्जियों में भी उपयोग किया जाता है। हालांकि लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च के शोध से पता चला है कि रोडियोला का इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जा सकता है। DIHAR के निदेशक RB श्रीवास्तव ने बताया, रोडियोला एक आश्चर्यजनक पौधा है जो रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, कठिन जलवायु की स्थिति में शरीर को अनुकूल बनाता है और रेडियो एक्टिविटी से बचाव करता है। इस पौधे में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और फाइटोएक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो विशिष्ट तत्व हैं। DIHAR के निदेशक ने बताया, यह जड़ी बूटी बम या बायोकेमिकल लड़ाई से पैदा हुए गामा रेडिएशन के प्रभाव को कम करती है। लेह स्थित DRDO की प्रयोगशाला में रोडियोला पर एक दशक से शोध हो रहा है। निदेशक ने बताया कि इस पौधे की एडाप्टोजेनिक क्षमता सैनिकों को कम दबाव और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में अनुकूल होने में मदद कर सकती है। साथ ही इस पौधे में अवसाद रोधी और भूख बढ़ाने वाला गुण भी है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।